हेलो फ्रेंड्स, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल की एकदम आसान लेकिन टेस्टी सब्जी। परवल कुछ लोगों को खास पसंद होता है, कुछ लोग इसे खाना एकदम पसंद नहीं करते। परवल को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन, कैल्शियम और फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी ये फायदेमंद होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, इसलिए किसी न किसी तरह इसे जरूर खाना चाहिए। आइए परवल की एकदम आसान सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम नर्म परवल लिए हैं। इन्हें मैंने धोकर काट लिया है, इनका छिलका नहीं हटाया है क्योंकि परवल के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है। परवल को काटते टाइम बस इनकी नोक मैंने हटा दी थी। गैस ऑन करके इस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखें। अब इसमें 2 चम्मच घी डालें। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के गर्म होने पर 1/2 चम्मच जीरा डालें। जीरे के क्रैकल होने पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें। थोड़ी हींग डालें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें। 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर डालें। थोड़ी अदरक और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालें और इसको भूनें। मसाला भुन गया है, बस अब इसमें ये परवल डाल दें और इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनें। परवल की इस सब्जी में मैंने आलू का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि जिन लोग को आलू से परहेज है उनके लिए ये बहुत ही आइडियल सब्जी है। इसे मैंने अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक भून लिया है और अब बारी आती है इसमें नमक डालने की। 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक इसमें डालें। इसे फिर से 1-2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए, नमक डालने से परवल ने थोड़ा पानी छोड़ा है। 1 चम्मच पानी इसमें डालें और इसे मिक्स करें। अब इसे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे और परवल के गलने तक इसे पकाएंगे। इसे पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। परवल को इस तरह से दबाकर देखेंगे। ये देखिए, सब्जी हमारी गल गई है। ये एक टमाटर है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये इसमें ऐड करें और फ्लेम हाई करके इसे भूनें। इसे अच्छी तरह से भूनना है जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाए। दोस्तों, परवल को मैंने टमाटर डालने के बाद 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे। मलाई डालकर इसे अच्छी तरह से भूनें। मलाई डालने से इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाता है और इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। बस इसी तरह से इसे 1 मिनट और भूनें। सब्जी में थोड़ा गरम मसाला डालें, इसको भी मिक्स करें। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा हरा धनिया इस पर डालें, इसको मिक्स करें। सब्जी तैयार हो गई है और अब फ्लेम को ऑफ करें। एकदम सिंपल और इजी परवल की सब्जी बनकर तैयार है। इसे मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई करें। रेसिपी के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना फीडबैक दें। हाँ, चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।